नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोय सव्वसाहूणं। ईसु पंच नमो यारो सव्व पाव पणासन मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं भवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरहंत मंगलम्, सिद्ध मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पंडत्तु धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पंडत्तु धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पंडत्तु धम्मो शरणं पवज्जामि। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जो 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हुए हैं भारत देश में, उन्होंने आर्यखंड में भ्रमण करके भव्य जीवों को मुनि और श्रावक धर्म का उपदेश किया। उनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, बीच में अजितनाथ भगवान को आदि लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक 22 तीर्थंकर, इन 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठी उन भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। श्वेतांबर लोग एसो पंच नमुक्कारो पढ़ते हैं। यहाँ मूलाचार ग्रंथ में 514 नंबर गाथा में एसो पंच नमो यारो लिखा है। अब प्राकृत अलग अलग प्रकार की हैं, तो प्राकृत में कोई शौरसेनी प्राकृत है, कोई महाराष्ट्री प्राकृत है, कोई पैशाची है, कोई मागधी है, और एक मूल प्राकृत भी है। तो ऐसे 5 प्राकृत होती हैं प्राकृत भाषाओं में, और दिगंबर शास्त्रों में पंचमेली प्राकृत, 5 प्राकृतों का मेल है। अभी वर्तमान में प्रचार ऐसा कर रखा है लोगों ने कि दिगंबर शास्त्रों की प्राकृत शौरसेनी है और श्वेतांबर शास्त्रों की प्राकृत मागधी है। वास्तव में पंडित पदमचंद जी हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम ये मानते हो कि दिगंबर शास्त्रों की प्राकृत शौरसेनी है, तो उन्होंने 2 शब्द दिए थे। एक तो पुग्गल, अपने ग्रंथों में कई जगह पुग्गल शब्द आता है और कहीं कहीं पोग्गल शब्द भी आता है, तो पुग्गल शब्द सिद्ध करके बताओ। शौरसेनी में पुग्गल शब्द नहीं बनता, पोग्गल शब्द बनता है।
लेकिन पुग्गल शब्द पाया जाता है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि दिगंबर शास्त्रों की प्राकृत केवल शौर से ही नहीं है, इसमें अन्य भी है। और एसो पंच नमो यारो ये शौर सेनी में न बन करके अन्य प्राकृत में बनता है। शौर सेनी में एसो पंच नमो गारो बनेगा या नमो कारो बनेगा, लेकिन नमो यारो ये जो य का आदेश हुआ है ये अन्य प्राकृत में होता है। और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो दिगंबर शास्त्रों में आते हैं जिनको अपन बलात् शौर सेनी नहीं कह सकते। छठखंड आगम धवला की प्रस्तावना में भी पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी ने शौर सेनी धवला टीका को शौर सेनी के रूप में प्रस्तुत किया, पर धवला टीका में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शौर सेनी नहीं है। चलो ठीक है, ये भाषा की बात थी, पर फिर भी कहते हैं कि शब्द ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि शब्द ज्ञान अगर समुचित नहीं होगा तो अर्थ ज्ञान समुचित कैसे होगा। तो अब अपन आगे चलते हैं। जिन कल्पी मुनियों का वर्णन अपन ने सुना, अब ये सच है कि स्थविर कल्पी मुनि जो है दूसरी श्रेणी के जो साधु हैं वो भी कभी कभी वैसे कठोर चर्या करते हैं। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी के गुरु थे, उन्होंने 17 वर्ष में दीक्षा ली, देवप्पा स्वामी उनका नाम था, 17 वर्ष की आयु में वो दीक्षित हो चुके थे। पर अब संभवतः उतना शास्त्र ज्ञान न रहा हो उनमें, तो कुछ त्रुटियां थी, तो कुछ कमियां थी, लेकिन अभिप्राय में वो पूरी तरह से मुनिचर्या का ही पालन करते थे। और उन्होंने 105 वर्ष में संलेखना की और जीवन भर एक आहार एक उपवास किया। तो ये तो सिद्ध हो गया कि 105 में से आप 17 घटा दो अठासी, तो 44 वर्ष उन्होंने उपवास किया, ये तो निश्चित हो गया। मुनि जीवन में 88 वर्ष का मुनि जीवन था उनका, और उतने काल में उन्होंने एक आहार एक उपवास ही किया, और कितने अंतराय हुए कुछ पता नहीं। तो ऐसे साधु इस काल में भी हुए। आचार्य गुणभद्र स्वामी थे 9वीं शताब्दी के, वो 15-15 दिन उपवास करके गुफाओं में बैठकर शास्त्र लिखते थे। उत्तर पुराण ग्रंथ उन्होंने ऐसे ही लिखा है तपस्या करते करते, आत्मानुशासन ग्रंथ लिखा, जिनदत्त चरित्र लिखा उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि स्थविर कल्पी बिल्कुल ढीले ढाले हो, ऐसा नहीं है। स्थविर का अर्थ होता है बूढ़े पुराने हैं। तो स्थविर कल्प में ऐसा प्रावधान है चर्या का, मुनि चर्या का, कि जो बूढ़े पुराने लोग थोड़े शारीरिक रूप से दुर्बल लोग भी उस चर्या को निभा सकते हैं। तो वो स्थविर कल्प कैसा होता है उसका वर्णन अपन समझ रहे हैं। और जिन कल्प वो कल्प है कि जो बिल्कुल तीर्थंकर जैसी चर्या करनी होगी उसमें। अभी कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था जिन कल्प के विषय में, 6-6 महीने उपवास कर लेते हैं, चौमासे में कभी आहार करते ही नहीं है, वज्रवृषभ नाराज संगन के धारी होते हैं, आंखों में धूल चली जाए तो नहीं निकालते, पैरों में कांटे टूट जाए तो उनको भी वैसे ही रहने देते हैं, कोई दूसरा निकाले तो मौन रहते हैं, न विरोध न अनुमोदना, बड़ी भारी चर्या है। तो अभी अपन जो भी करेंगे इस पंचम काल में, जो भी मुनिचर्या आज मुनिराज करेंगे,
वो जिनकल्पी होने के लिए वो मुनिचर्या, मुक्ति के लिए तो ठीक है, मुक्ति तो एक बहुत दूर का लक्ष्य है। आज तो दो गाथा अगर किसी को कंठस्थ हो जाए तो बोलता है कि मैं मोक्ष जा रहा हूं। अरे मोक्ष अगर इतना सरल होता तो 11 11 अंगों के पाठी फिर संसार में कैसे भटक जाते हैं? कितनी बार इस जीव ने 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। अनंत बार भव्य जीव 9 ग्रहवयोगों की अंतिम सीमा तक गया। अगर ये नहीं मानते तो भव्य जीवों का भाव परिवर्तन नकारना पड़ेगा, पर ऐसा है नहीं। पंच परिवर्तन होते हैं तो सारे परिवर्तन अनंत जीवों ने किए हुए हैं। तो दो गाथा पढ़ने से आप मोक्ष चले जाओगे, इस धोखे में नहीं रहना। आप ये समझना कि सबसे दुर्लभ वस्तु, सबसे कठिन वस्तु मोक्ष है। उसका प्रमाण यह है कि अनादिकाल से अपन प्राप्त नहीं कर सके। इससे बड़ा सबूत क्या चाहते हो? अपन ने सब काम कर लिए दुनिया के, सिर्फ एक काम नहीं किया, मोक्ष। सम्यक दर्शन भी असंख्यात बार प्राप्त होकर छूट जाता है। पता है आजकल लोग बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं कि अनादिकाल से जीव ने सब कुछ प्राप्त किया, एक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। क्या आगम विरुद्ध बात करते हो? कैसे पता कि नहीं प्राप्त किया? हो सकता है कुछ जीवों ने ना प्राप्त किया हो सकता है कुछ जीव अनादि मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन आपने सबको एक तराजू पर कैसे तौल दिया? कार्तिकेयानुप्रेक्षा की गाथा में लिखा है, गोमट सार में लिखा हुआ है, गिन्नति मुंचति जीवो बेसम्मते असंख्य वारो। औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को एक जीव असंख्यात बार प्राप्त करके छोड़ सकता है। कितनी कालावधि में? तो बोले अर्ध पुद्गल परिवर्तन कालावधि में। ये सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष जाने के पहले अगर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल पूर्व सम्यक दृष्टि बना है तो नियम से सम्यक दर्शन छूटेगा, क्योंकि अर्ध पुद्गल परिवर्तन में अनंत भाव होते हैं। तो अनंत भाव तो कोई सम्यक दर्शन साथ में नहीं रख सकता। तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में अकलंकाचार्य महाराज लिखते हैं, अप्रतिपतित सम्यक्त्वा सप्ताष्ट भवे ही सेत्स्यन्ति। जिनका सम्यक दर्शन नहीं छूटता वो कितने भावों में मोक्ष प्राप्त करेंगे? अगर सम्यक दर्शन न छूटे तो कितने भावों में मोक्ष प्राप्त करेंगे वो? तो आचार्य कहते हैं 7 या 8। और छूट जाए तो अधिक भाव हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है? तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में अनंत भाव है तो फिर सम्यक तो छूटना ही छूटना है। फिर प्राप्त करेंगे कभी, फिर छूटेगा, फिर प्राप्त करेंगे, फिर छूटेगा। ऐसे असंख्यात बार एक जीव सम्यक दृष्टि बनकर फिर मिथ्या दृष्टि बन जाता है, लेकिन जब अंतिम भाव है तो अंतिम भाव में फिर वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बनते हैं, मुनिराज होते हैं, क्षपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं और सब कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये बड़ी बात है कि सम्यक दर्शन एक भी बार हो गया तो पंच परिवर्तन में से एक भी परिवर्तन पूर्ण नहीं कर पाएंगे, उसके पहले ही मुक्ति हो जाएगी। देखो जो अनंत भाव अपन ने पहले धारण किए हैं उसके सामने ये जो अर्ध पुद्गल परिवर्तन वाला अनंत भाव है ये बहुत छोटा है अनंत। और अनंत से डर तो लगता है, एक एक भाव कितना भारी होता है आप सोचो तो सही। अभी पंचम काल में तो सबको समझ में आ रहा है ना कि एक जीवन ही शुरू से अंत तक व्यवस्थित पहुंचना
कितना कठिन है। बीच में कई बार मन हार जाता है, कभी कभी लगता है कि अरे क्या करें, अब आगे कुछ नहीं सूझ रहा, ऐसी दशा आ जाती है। कितने मनुष्यों को निराशा सताती है, फिर जैसे तैसे घिसटते हुए करते हैं पूरा। कुछ समय ऐसा रहता है उत्साह का समय रहता है, कुछ समय ऐसा रहता है कि बिल्कुल बेफिक्री का समय है, निश्चिंतता है। कुछ समय हाय पैसा हाय धन का समय है, कुछ समय बीमारियों का समय है, और 1/3 लाइफ सोने में निकल जाती है, 1/3 हिस्सा सोते सोते निकल जाता है, फिर कुछ समय प्रमाद में निकल जाता है, टाइम वेस्ट करने में। आप फालतू चीजें देख रहे हैं टेलीविजन पे बैठे बैठे, कोई फुर्सत कुछ है नहीं काम करने को, तो फिर निठल्ले बैठ करके समय को बर्बाद करता है। तो ऐसा करते करते जैसे तैसे जीवन पूरा होता है, फिर वो उत्साह भी नहीं रहता जीने का लोगों को। अब क्या करना है, अब ठीक है नमोकार कर लिया, मंदिर आता है रात्रि भोजन का त्याग है, चलो कुछ पुण्य तो कमा ही लिया है, होगा कुछ जो होना होगा वो होगा। तो कई लोग नियतिवादी बन जाते हैं, कई लोग कालवादी बन जाते हैं, कई लोग भाग्यवादी बन जाते हैं, कुछ लोग पुरुषार्थवादी होते हैं, तो वो पुरुषार्थ करते रहते हैं कुछ ना कुछ। पर इन सब वादों का समन्वय स्यादवाद है। स्यादवादी अगर कोई बन जाए तो न वो मिथ्यात्वी रहेगा, न ही उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, तब वो कल्याण मार्गी हो सकता है। तो स्थविर कल्पी मुनियों का वर्णन करते हुए अभी यहाँ पर आगे की कथा है। ये वर्णन समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी कभी जिन कल्पियों की चर्चा पुराणों में अपन पढ़ते हैं कि इतनी तपस्या की, इतना हुआ, इतना सहन किया, सब कुछ किया, समता धारण की, ये सारी बातें अपन पढ़ते हैं, पर फिर वो जो दूसरी श्रेणी है वो अपने ध्यान में ही नहीं आ पाती। और अभी अपन साधुओं को देखते हैं तो फिर अपने को लगता है, देखो जो मुनि भक्ति है जिनके अंदर, उनको लगता है कि कोई बात नहीं है, मतलब इस काल में भी वो दीक्षा लेकर तपस्या तो कर ही रहे हैं, जितना कर रहे हैं, जितना बन रहा है उतना तो कर ही रहे हैं। तो फिर आप एक समझौते की दृष्टि से उनको स्वीकार करते हैं, और वो भी, वो साधु भी खुद ये मानते हैं कि हम वैसे साधु नहीं है जैसे शास्त्रों में लिखा है, हम तो ठीक है कुछ कमियों को लेकर के हम साधु चर्या पाल रहे हैं, चलो जितना होगा उतना कर लेंगे, ऐसा सोच करके चलते हैं। तो इसलिए अपने को ये जानना आवश्यक है। आचार्य सुविधि सागर महाराज ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था, मूलाचार संगोष्ठी उन्होंने प्रारंभ की थी वहाँ पर श्रवण बेलगुल में। उनकी भावना ये थी कि ये बात यहाँ उपस्थित साधु जन समझें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें जो न करने योग्य है उसको भी समझ लें, और जो कर रहे हैं और गलत समझ रहे हैं उसको गलत समझना छोड़ दें। कि आप कर रहे हो, कई चीज़ें हैं बताइए शास्त्र में, पर जानकारी न होने के कारण अपन को लगता है कि अपन गलत कर रहे हैं, अपन शहर में रह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना, क्योंकि कई लोगों ने प्रचार करके रखा है कि सच्चे साधु तो वनवासी होते हैं, ये नगरवासी काय के साधु हैं, अगर नगर में ही रहना था तो फिर गृहस्थ बन करके रहते, ऐसी सब बातें करते लोग। देखो खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो कर रहे हैं उन पर उंगली उठाने में ईगो सेटिस्फाई होता है, अहंकार की पुष्टि होती है, तो फिर वैसा करते हैं लोग, कोई बात नहीं। सारे इस संसार में छटपटाने वाले जीव हैं ये सब, वो चाहे बड़बड़ करने वाले हो चाहे और खड़खड़ करने वाले हो, सब संसार में छटपटा रहे हैं, शायद ही किसी के पास सम्यक दर्शन, और जिसके पास होगा वो इन सब उपद्रवों में, इन प्रपंचों से थोड़ा सा बचेगा।
सारी स्थितियां रहती है। तो इसलिए ये स्थबिर कल्प और शुभोपयोगी चर्या अपन ने पहले ही पढ़ी है प्रवचन सार में कि शुभोपयोगी मुनि क्या क्या कर सकते हैं फिर भी वो भावलिंगी रहेंगे, स्मरण है आपको। पर भावलिंगी से नीचे तब आएंगे जब वो मुनिचर्या को छोड़कर श्रावक चर्या में चले जाएंगे, वैयावृत्त के निमित्त ही सही, लेकिन अगर वो श्रावक चर्या के योग्य वैयावृत्त करेंगे तो फिर अंतरंग से वो श्रावक धर्म में आ जाते। इतनी सारी बातें अपन ने पढ़ी और उसमें ये भी साथ में बताया कि अगर आप अपने स्वार्थ के लिए अपनी चर्या में ढील देते हो और धर्म कार्य में कहते हो कि नहीं हम अपनी चर्या में कैसे ढील दे दें, तो फिर आचार्य कहते हैं कि तब तो फिर मिथ्या दृष्टि होती है। इतना सब अपन ने मुनिराजों के विषय में बहुत सारी जानकारियां यहां पर अपन ने सुनी है। अब स्थविर कल्प का वर्णन देखिए। थविर कपो वि कहियो अणियाराण जिणीण सो वेसो पंचच्छे लच्चाओ अकिंचन तंच पडिनिहणम। बहुत सुंदर बात है। जिनेन्द्र भगवान ने अनगारों के लिए अर्थात गृह त्यागी श्रमणों के लिए यह प्रसिद्ध स्थविर कल्प भी कहा है, केवल जिन कल्प नहीं कहा, जिनेन्द्र देव ने तीर्थंकर भगवान ने स्थविर कल्प भी कहा है। क्या विशेषता है उसमें स्थविर कल्प में? पंच चेल चाओ, पांच प्रकार के वस्त्रों का त्याग होगा और अकिंचनत्तम परिग्रहों का त्याग होगा। पांच प्रकार के वस्त्रों का त्याग, परिग्रह का त्याग, देखिए दोनों को अलग अलग बता रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि वस्त्र परिग्रह है, पर वस्त्र के तीन भेद हैं। कभी हमने बताया था तीन प्रकार के वस्त्र होते हैं। एक वो वस्त्र जो परिग्रह की श्रेणी में आते हैं, दूसरे वो वस्त्र जो उपभोग की श्रेणी में आते हैं, और तीसरे वो वस्त्र जो गणवेश के रूप में माने जाते हैं, यूनिफॉर्म वर्दी। तो वर्दी जो है वो परिग्रह भी नहीं है और उपभोग भी नहीं है, समझ में आ रहा है? जैसे जो लोग डॉक्टर्स होते हैं वो एप्रन पहनते हैं, एप्रन के नीचे जो पहना है वो उपभोग है, और एप्रन जो पहना हुआ है, एप्रन यानी वो सफेद रंग का एक, आप लोग हिंदी बाहर के लोग उसको सफेद कोट बोलते हैं डॉक्टर का, उसका वकील का काला कोट बोलते हैं, तो वो यूनिफॉर्म है। वो गार्ड्स का अलग होता है, सिपाहियों का अलग होता है और सैनिकों का अलग होता है, और साधुओं का भी यूनिफॉर्म होता है। साधु मनचाहे वस्त्र नहीं पहन सकते, जो वस्त्रधारी हैं उनका भी एक गणवेश होता है। एनसीसी कैडेट, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उनका भी एक यूनिफॉर्म होता है। तो वो भी वस्त्र है, लेकिन वो एक श्रेणी हो गई वस्त्र की। दूसरी श्रेणी वो है जो उपभोग रूप है। समंतवत आचार्य महाराज ने लिखा है, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शन वसन प्रभृति पांचेन्द्रियो विषयः। उन्होंने कहा कि भोग और उपभोग क्या वस्तु है? परिग्रह तो ठीक है, मूर्छा परिग्रह, आपने संग्रह करके रखी है कोई वस्तु, और अर्जन संरक्षण संस्कार आदि व्यापृतिर मूर्छा। मूर्छा की परिभाषा बताइए। एक तो पता है मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, अपनत्व का भाव होना किसी पदार्थ के प्रति, उसको मूर्छा कहा। लेकिन नहीं, केवल अपनत्व को मूर्छा नहीं कह सकते, अपनत्व तो अपना अपने आराध्य के प्रति भी होता है, नहीं होता है?
हमारे 24 भगवान, हमारे पंच परमेष्ठी, ये अपनत्व तो होता है, तो वो परिग्रह हो जाएंगे क्या? पंच परमेष्ठी परिग्रह हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि परिग्रह संसार में डुबाने वाली वस्तु है, संसार से पार लगाने वाली वस्तु नहीं है। और परमेष्ठी, परमेष्ठी कभी संसार में डुबाते नहीं, डूबने वाले को पार लगाते हैं, तो वो परिग्रह कैसे हो सकता है? परमेष्ठी आराध्य होते हैं, परिग्रह कभी आराध्य नहीं होता। जो आराध्य है वो परिग्रह नहीं है, और जो परिग्रह है वो आराध्य नहीं है जिन शासन। तो फिर अपनत्व ये और व्याख्या चाहता है, किस प्रकार का अपनत्व? तो उसका उत्तर देते हुए तत्वार्थ वार्तिक आदि ग्रंथों में आचार्य महाराज लिखते हैं, एक मिनट, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भी वही बात लिखी है, का मूर्छा, मूर्छा क्या वस्तु है? सूत्र है मूर्छा परिग्रह, 17वां सूत्र है 7वें अध्याय का। तो का मूर्छा, मूर्छा क्या होती है? तो बोले बाह्या नाम गो महेश मणि मुक्ता फलादी नाम चेतना चेतना नाम, बाह्य वस्तुएं हैं, गाय है, भैंस है, मणि है, मुक्ता फल यानी मोती है आदि, चेतन और जड़ सब प्रकार के पदार्थ हैं, और आभ्यंतराणांच और अपने भीतर क्या है? रागादीना उपधीना, रागादिक है वो भी अपना परिग्रह है। इनका संरक्षण, इनकी रक्षा करना है। देखो परिग्रह का लक्षण बता रहे, पंच परमेष्ठी की आप रक्षा करते हैं? नहीं करते, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, इनकी रक्षा करना। और अर्जन उपार्जन करना, और संस्कार आदि उनकी सजावट आदि करना। तो इस तरह की जो अंतरंग की परिणति है, जो अपने भावों की संरचना है, उसका नाम मूर्छा है, और मूर्छा का नाम परिग्रह है। 14 अंतरंग परिग्रह है, 10 बाह्य परिग्रह है। तो वहां स्थविर कल्प में आचार्य लिख रहे हैं, अकिंचनत्तम निष्परिग्रहता। ये स्थविर कल्प में आवश्यक है, जिन कल्प में तो है ही है, लेकिन स्थविर कल्प में भी अकिंचनपना आवश्यक है। तो परिग्रह में वस्त्र कौन से आएंगे? जो वस्त्र आपने संग्रह करके रखे हैं और जिसको आप बार बार नहीं पहन रहे, उपभोग जो होता है, बार बार जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको उपभोग कहते हैं। समंतवत आचार्य महाराज ने अभी जो हमने काव्य पढ़ा था रत्नकरण श्रावकाचार्य का, उसमें क्या लिखा? उपभोगोषण वसन प्रवृत्ति पांचेन्द्रियो विषय। अशन वसन आदि
पांच इंद्रियों के विषय को भोगो भोग कहते हैं। अशन का अर्थ क्या है बोलो? अष्टमी को एकाशन किया, चतुर्दशी को एकाशन किया, एक अशन, अशन का अर्थ भोजन है। कुछ लोग अशुद्ध उच्चारण में एकासन करते हैं। एकासन नहीं, आसन तो शरीर की मुद्रा को कहते हैं। क्या अष्टमी को पूरे दिन एक आसन में बैठ सकता है वो? नहीं, उसको एकाशन कहते हैं, शक्कर वाला। तो आचार्य कह रहे हैं कि अशन भोग है और वसन क्या है? उपभोग। भोजन आप एक बार जो थाल में परोसा गया भोजन है उसको एक ही बार खा सकते हैं, उसको आप बार बार नहीं खा सकते। लेकिन जो कपड़े आपने पहने हैं उसको आप बार बार पहन सकते हैं। उतारा, धोया, सुखाया, फिर से पहना, उतारा, धोया, सुखाया, फिर प्रेस वेस किया और जो भी किया फिर से पहना, बार बार पहन सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो इंद्रियों के जो विषय बार बार सेवन करने योग्य हैं उनको उपभोग कहते हैं, और जो एक बार सेवन किया जाता है उसको भोग कहते हैं। तो फिर वस्त्र की जो तीन श्रेणियां थी उनमें से एक तो गणवेश था, जिसको वर्दी अथवा यूनिफॉर्म कहते हैं, और उसके हमने बहुत सारे उदाहरण भी दे दिए आपको। स्कूल के बच्चे भी यूनिफॉर्म पहन करके आते हैं, देखो आप। और हमने तो अलग अलग यूनिफॉर्म भी देखे हैं, शायद किसी वार को अलग ड्रेस रहता है और किसी वार को अलग ड्रेस रहता है, और शायद एक वार को सिविल ड्रेस रहता है। फिर ड्रेस कोड्स भी रहते हैं कई जगह कि ये ड्रेस पहन सकते हो और ये नहीं पहन सकते। कहीं किसी किसी संस्था में, किसी इंस्टीट्यूशन में फॉर्मल ड्रेस अलाउड है लेकिन दूसरे ड्रेसेस अलाउड नहीं है। कई मंदिरों में लिखा रहता है कि भड़कीले वस्त्र ना पहने, पढ़ा होगा ना आपने। तो ये सारी बातें हैं वस्त्र को लेकर के। तो यहाँ पर बात ये चल रही थी कि एक तो गणवेश हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, दूसरा उपभोग, जिस वस्त्र को आप बार बार धोते हैं, बार बार पहनते हैं, वो उपभोग हो गया। और तीसरे वो हैं जो वस्त्र परिग्रह के रूप में आपने अलमारी में बंद करके रखे। अब हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी वस्त्र हों जो 3-4 साल से काम में ना आए हो सकता है। आपको सबको पता है, आपके मन में आपने कह भी दिया होगा कि हाँ है महाराज। किसी साल ठंड कम पड़ी तो फिर स्वेटर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते, क्या पता फिर पड़ जाए तो रखा हुआ आपके पास। तो ऐसे कई परिग्रह रूप वस्त्र होते हैं। फिर जब उसका आप उपभोग करने लग जाते हैं तो फिर वही वस्त्र उपभोग की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर वही उपभोग आप बंद कर देते तो वापस फिर परिग्रह की श्रेणी में चले जाते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, आपने ही उसका अर्जन किया है और आप ही उसको धोते संवारते हो या करवाते हो काम। कृत और कारित दोनों प्रकार से होता है ना काम, तो उसका नाम परिग्रह है। तो यहाँ दो बातें अलग कर रहे हैं आचार्य। आवरण से रहित होना और परिग्रह से रहित होना। देखो आर्यिका माताजी के पास साड़ी है, क्षुल्लक एलकों के पास भी उनका वेश है, क्या वो परिग्रह है? अगर परिग्रह नहीं है तो क्या वो उपभोग है? क्योंकि बार बार धो करके उन्हीं वस्त्रों को तो पहनते हैं, क्या वो उपभोग है?
क्यों नहीं है? क्योंकि उपभोग में चयन का अवकाश होता है, आप अपनी मनपसंद वस्तु को उपभोग बनाते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म है। इसको दंशन पाहुड़ ग्रंथ में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिंग कहा। लिंग का अर्थ मुद्रा। कौन सी मुद्रा? तो अमृतचंद सूरी जी ने प्रवचन सार ग्रंथ की 172वीं गाथा की टीका में लिखा है कि जो मुद्रा धर्म की ध्वजा स्वरूप है वो मुद्रा लिंग है। लिंग शब्द के 20 अर्थ दिए हैं वहां पर, लेकिन ये जो मुद्रा रूप लिंग है उसके विषय में उन्होंने ये बात कही कि ये धर्म की ध्वजा है। तो धर्म की ध्वजा केवल दिगंबरत्व नहीं है, क्योंकि उन्हीं कुंदकुंद आचार्य महाराज ने 3 लिंग बताए दर्शन पावड़ में। केवल एक जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को ही लिंग नहीं कहा उन्होंने, एकम जिनस्य रूप, एक तो जिनेंद्र का रूप निरावरण निराभरण, नहीं वस्त्र है न अस्त्र है न शस्त्र है न आभूषण, एक वो मुद्रा है। दूसरी मुद्रा आवरण सहित है, और आवरण सहित मुद्रा में एक मुद्रा पुरुष की है, दूसरी मुद्रा नारी की है। तो वो मुद्रा जिनेंद्र प्रणीत मुद्रा है, और यदि उसको आप परिग्रह या उपभोग कहोगे तो जो दीक्षा प्रदान करने वाले हैं वो परिग्रह और उपभोग की दीक्षा प्रदान करने वाले माने जाएंगे। और जिन शासन में कोई भी दीक्षा परिग्रह और उपभोग की समर्थक नहीं है, अरे दीक्षा की बात छोड़ो, आप देखो दीक्षा शब्द क्षुल्लकों के लिए भी है, एलकों के लिए भी है, शुल्लिका के लिए भी है, और आर्यिका के लिए भी, मुनियों के लिए भी है। उपाध्याय दीक्षा भी होती है, आचार्य दीक्षा भी होती है। तो दीक्षा अनेक प्रकार की है, लेकिन जो अधीक्षित है उनमें 9वीं प्रतिमाधारी कौन होते हैं? 9वीं प्रतिमा का नाम आपको मालूम है? दंशन वयसामाय पुसह सचित्राय भत्तेय ब्रह्मारम्भ परिग्रह अणुमणु उद्दिट देश विरदोय। परिग्रह त्याग प्रतिमा है, 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा है। वस्त्र त्याग नहीं है वहां, वस्त्र त्याग 11वीं प्रतिमा में भी नहीं है, लेकिन परिग्रह का त्याग 9वीं प्रतिमा में हो गया है। क्या मतलब है? इस पर विचार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या सीधा अपन शॉर्टकट निकालो और मोक्ष चले जाओ, ऐसा है? नहीं, अब विचार करना बहुत आवश्यक है। आप एकदम फटाफट फटाफट स्वाध्याय करके बस समझ लेते हैं, हाँ बस हो गया इतना, मेरे को समझ में आ गया। अरे क्या समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो 9वीं प्रतिमाधारी ने वस्त्र पहने हैं वो भी परिग्रह की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि 10 प्रकार के परिग्रह का वो त्याग कर चुके हैं 9वीं प्रतिमा में। घर का त्याग नहीं हुआ है उनका, लेकिन घर पर जो नेम प्लेट है उसको वो अलग कर चुके हैं। 9वीं प्रतिमा में नेम प्लेट लगी रहते हैं ना घरों में, SR जैन, तो वो अब SR जैन नहीं रहेगा, उनके बेटे का नाम रहेगा AR जैन। क्योंकि अब वो घर में रह रहे हैं, लेकिन घर के स्वामी बनकर के नहीं रह रहे, पहले स्वामी थे, अब स्वामी नहीं है, अब स्वामी उन्होंने दूसरे को बना दिया,
और रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, उसको भी स्वीकार है, इनको भी स्वीकार है, दोनों रह रहे हैं। अब वो कोई मार्गदर्शन अगर लेना चाहता है, क्योंकि इनका अनुभव अच्छा है, ये जानते हैं कि कहाँ कैसे समाधान प्राप्त करना, तो इनके पास बहुत सारे लौकिक समाधान हैं। तो अगर उस घर में जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो इनसे कोई शंका समाधान करना चाहें लौकिक, तो अपने अनुभव के आधार पर ये समाधान देते हैं। लेकिन दसवीं प्रतिमा में सांसारिक समाधान देना बंद कर देते हैं। सांसारिक समाधान है ना कि तुम वो जमीन खरीद लो और फिर ये, मतलब पूरा आरंभ और परिग्रह संबंधी मार्गदर्शन देना बंद कर देते हैं। फिर ग्यारहवीं प्रतिमा में घर का त्याग करके संघ को अपना लेते हैं और गुरु से क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा, अथवा कोई माता बहन हो तो क्षुल्लिका दीक्षा ले लेते हैं। ग्यारहवीं प्रतिमा है, ग्यारहवीं प्रतिमा में तीनों है, एलक, क्षुल्लक और क्षुल्लिका। तो ये गणवेश है, परिग्रह नहीं है, उपभोग नहीं है। जीवोत्पत्ति से बचने के लिए वस्त्रों को शुद्ध किया जाता है और शुद्धिकरण करके जिन वंदना आदि जो धार्मिक अनुष्ठान है वो करते हैं, इसलिए धुले हुए वस्त्र वो पहनते हैं। वस्त्र को यदि नहीं धोया जाता तो कुछ समय के बाद उसमें जीव जंतु उत्पन्न होने लग जाते हैं, इसलिए ये प्रयोजन है, ये उपभोग नहीं है। आप बार बार किसी चीज का इस्तेमाल करो लेकिन आपका उसके प्रति राग द्वेष ना हो तो उसको उपभोग नहीं कह सकते। उपभोग में राग होता है, जैसे आप बार बार रोड से आते हैं कि नहीं, तो रोड उपभोग हो गया क्या? नहीं है। तो इसी तरह उपभोग एक तो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और बार बार इस्तेमाल करोगे तो उसको उपभोग कहते हैं, परिग्रह संग्रह करोगे तो परिग्रह हो गया। पटिलीण हम एक चीज और कह रहे हैं कि स्थविर कल्प में ये पिच्छी अनिवार्य है। जिन कल्प में यदि कोई ऐसी रिद्धि हो जाए जैसे परिहार विशुद्धि संयम अथवा और कोई रिद्धि है, चारण रिद्धि वगैरह बड़ी बड़ी, तो पिच्छी रखना जरूरी नहीं होता। एक श्लोक आया इसमें भद्रभाव चरित्र में, मन पर्ययेण केचित्, गृह्णन्त्यवधितः पुरा चारु पंच गुणं पिच्छं प्रतिलेखन हेतवे। कोई ऐसे साधु हैं जिनको मना पर ज्ञान हुआ है लेकिन अवधिक ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो पिच्छीधारी होंगे। और अवधिक ज्ञान अगर उनको हो जाएगा तो फिर पिच्छी छोड़ देंगे। बड़ी विचित्र बात है, देखो साधुओं के बारे में कैसी कैसी जानकारियां शास्त्रों में भरी पड़ी है। अब ये बात तो बहुत बिरले लोग जानते होंगे कि उनके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनःपरय ज्ञान है, पिच्छीधारी है, लेकिन जैसे ही उनको अवधि ज्ञान होता है पिच्छी छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मनःपरय ज्ञान के बाद जब अवधि ज्ञान होता है तब कोई ऐसी विशिष्ट विशुद्धि उनको प्राप्त हो जाती है कि उस विशुद्धि के प्रभाव से
कोई ऐसी परिणति होती उनके कि पिच्छी का जो प्रयोग है वो उनके लिए अपेक्षित नहीं रह जाता, अर्थात उनसे हिंसा नहीं होती। अब ये श्लोक हमने आचार्य रत्न नंदी ने भद्रबाहु चरित्र में ये श्लोक दिया है, तो इस श्लोक को अपन खारिज नहीं कर सकते। इस श्लोक का अपना महत्व है। अपन ये मानो कि चलो एक नई बात हमारे ज्ञान संग्रह में जुड़ जाएगी इस श्लोक को स्वीकार करने पर, तो इसको अपन जोड़ लें अपने ज्ञान संग्रह में, क्या हानि है। फिर जब केवली श्रुत केवली मिलेंगे तो वहां से फाइनल कर लेना, क्या है। फाइनल करने की उतावली नहीं करना। और कैसे होते हैं स्थविर कल्पी, तो बोलते हैं पंचमह वयधरणम ठिधि भोयण एय भक्त कर पत्तो भक्ति भरेण दत्तम काले अजायणे भिक्खम दुविहतवे उज्जमणम शव्य आवासई अणवरयम खिधि सयणम सिर लोहो जिणवर पड़ी रूप पड़ी गहणम। पांच महाव्रतों को धारण करते हैं, खड़े होकर के भोजन करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, कर पात्री होते हैं और अत्यंत भक्ति पूर्वक दिए हुए भोजन को बिना मांगे भिक्षा वृत्ति से भोजन काल में ही ग्रहण करते हैं। और दोनों प्रकार के तप का पुरुषार्थ करते हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप, और छह प्रकार के आवश्यकों का निरंतर पालन करते हैं, भूमि शयन करते हैं, केशलौंच करते हैं और जिनेंद्र भगवान जैसी मुद्रा को ग्रहण करते हैं सविरकल्पी। संगणनस गुणेणय दुस्सम कालस तव पवावेण पुर्णैर गामवासी थविरे कपेठिया जाया। अब संगणन का ऐसा गुण है इस पंचम काल में, दुष्यम काल में, उसके काल के प्रभाव से हीन संगणन हो गया, यानी चौथे काल में जो वज्र नाराज और नाराज संगणन था वो भी नहीं रहा। आज अंत के तीन संगणन रह गए और तीन संगणन होने के साथ भी चौथे काल वाले जो थे तीन संगणनदारी, उनसे भी हीन अनुभाग वाला संगणन इस काल में उदित है। तो सहन शक्ति प्रायः करके घट चुकी है, तो इस कारण पुर नयर गामवासी, पुरों में, नगरों में और ग्रामों में साधु निवास करते हैं। थविरे कपेठिया ज्यादा, उस थविर कल्पी साधु ग्राम, नगर और पुर में निवास कर सकते हैं, जिन कल्पी नहीं। जिन कल्पी के लिए एक ही निवास बताया था, कंदरावास, गुफाओं में रहते हैं। ये ठीक है कि आचार्य शांति सागर महाराज ने गुफाओं में ध्यान किया है, लेकिन स्थायी रूप से निवास तो कहीं भी, हमेशा गुफाओं में भी ही रहे हो ऐसा नहीं है। कई बार मंदिरों में भी रुके हैं और अभी भी वो स्थान यहाँ पर महाराष्ट्र में और फिर दक्षिण में अपन देख सकते हैं कि यहाँ आचार्य शांति सागर महाराज जी रुक चुके हैं। शेरवाल में उन्होंने चौमासा किया था, नाते पुते में रुके थे और भी अनेक अनेक स्थानों पर आए थे, सोलापुर में भी आ चुके हैं, तो गुफा में थोड़ी रुके थे, जो भी योग्य स्थान था वहाँ रुके थे। लेकिन वो जो जिनकल्पी बनी है वो वैसे स्थानों पर रहते हैं। तो देखिए, जिनकी धारणा है कि साधु नगर में नहीं रह सकते और जो नगर में रहते हैं वो सच्चे साधु नहीं है, वो इस गाथा को देख ले। भाव संग्रह की 127वीं गाथा में लिखा है कि पुर नयर गामवासी थविरे कपेठिया जाता, स्थविर कल्प में पुर नगर और ग्राम के निवासी हो सकते हैं साधु, कोई आपत्ति नहीं है।
उवेरणंतं गहियं जीर्ण भंगो हवे चरियस गह्यम पुत्थय दानम जोगम जस तम तेन। वे मुनि महाराज उपकरणों को भी रखते हैं, स्थविर कल्पी मुनि महाराज, जिससे ये न चर्याया भंगो न भवति, मुनिचर्या भंग न हो जाए, ऐसे उपकरणों को भी रख सकते हैं स्थविर कल्पी मुनि। और अपनी क्षमता के अनुसार वो शास्त्र दान में आए हुए शास्त्र को भी ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात शास्त्र भी रखना स्थविरकल्पी साधुओं के लिए योग्य है। पुस्तक दानम योग्यम तस यस्य तत्तेन गृहीतम, जो योग्य है उन ग्रंथों को ग्रहण कर लेते हैं, जो अपने समझ में नहीं आता, जो अपने लिए भारी है, अपना विषय नहीं है, उनको नहीं ग्रहण करेंगे, जो अपने लिए समझ में आ रहा है उसको ग्रहण कर लेंगे। समुदाय आज इसलिए हम एक साथ ले रहे हैं क्योंकि आधा आधा करेंगे ना तो फिर कुछ विषय दिमाग से निकल जाएगा, तो एक साथ एक पैकेज में ले लो इस विषय को। समुदायण विहारो नमस् पहावण ससती ये भवियाण धम्म सवणम सिस्साण ये पालण गहणम। समूह में विहार करते हैं स्थविर कल्पी, अकेले नहीं, और विशिष्ट परिस्थिति की बात अलग है, आपातकाल में कभी अकेले भी विहार करना पड़ सकता है। मान लो दो साधु थे साथ में, एक की संलेख ना हो गई तो अब वो दूसरे क्या करेंगे, उनको कुछ समय अकेले रहना पड़ेगा, फिर कहीं और साधु मिल जाएंगे तो उनके साथ हो जाएंगे। तो समूह में विहार करते हैं, धर्म की प्रभावना करती है अपनी शक्ति के अनुसार, और भव्य जीवों को धर्म सुनाते हैं, शिष्यों का पालन पोषण करते हैं, दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। संगणनम ऐनिच्चम कालोसु दुस्समो मणो चवलो तहविहु धीरा पुरिसा महव्य भरधरण छैया। और अंत में स्थविर कल्पी मुनि की प्रशंसा करते हुए आचार्य लिखते हैं, देवसेन आचार्य, कि संगणन अत्यंत निकृष्ट है, नीचे के तीन संगणन उसमें भी अनुभाग एकदम गया बीता है। काल वो प्रसिद्ध दुष्म काल चल रहा है, पंचम काल, मनो चवलो और मन सबका चंचल है इस काल में, तो भी कुछ धीर पुरुष महव्य भर धरण उच्छैया महाव्रतों के भार को धारण करने के लिए उत्साहित होकर स्थविर कल्पी साधु बने हैं, धन्य है। कितनी सुंदर बात कह रहे, प्रशंसनीय है। तो इस तरह ये जिनकल्प और स्थविर कल्प का वर्णन था। अब ऋषि मुनि यति अनगार का वर्णन हो गया, शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी मुनियों का वर्णन हो गया, जिनकल्पी स्थविर कल्पी मुनियों का वर्णन हो गया। अब जो तत्वार्थ शास्त्रों में पंच निर्ग्रंथों का वर्णन है, पांच प्रकार के दिगंबर साधुओं का वर्णन है, वो बचा हुआ है। तो वो कौन है पाँच निर्ग्रंथ? कुलाक बकुशादि, तो उनका वर्णन अपन करेंगे, तब साधु परमेश्वरी का वर्णन पूर्ण होगा, फिर अंत में चार देवता और शेष रह जाएंगे। कौन से चार? जिन धर्म, जिन वचन, और आगे जिन चैत्य और चैत्यालय। जैनम जयत शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई,
सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।